पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी के होकरा गांव में हुई सड़क दुर्घटना में कुछ दिन पहले ही 10 लोगों की मौत हुई थी। अभी उन चिताओं की राख ठंडी भी नहीं हुई है। किसी सड़क पर ठीक उसी जगह पर एक और अल्टो कार लगभग 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस की टीम ने स्थानीय लोगों के साथ रेस्क्यू अभियान चलाकर दोनों ही शवों को गहरी खाई से निकालकर पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। इस घटना में एक महिला सहित मृतक दोनों लोग बागेश्वर जिले के कपकोट तहसील के निवासी हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा पिछले दिनों होकरा में हुई भीषण सड़क दुर्घटना के बाद इस सड़क पर चौपहिया वाहन की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहां गाड़ियां चल रही थी, जिसका परिणाम आज एक बार फिर से हादसे के रूप में सामने आया है। इसका संज्ञान लेते हुए पिथौरागढ़ जिलाधिकारी ने पुलिस टीम होकरा सड़क पर बैरियर लगाने के साथ ही पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स तैनात करने के निर्देश दे दिए हैं, ताकि सड़क ठीक होने तक कोई भी इस जानलेवा हो चुकी सड़क पर ना जा सके। आज सुबह एक गाड़ी के गिरने की सूचना प्राप्त हुई है। अल्टो कार है और उसमें 2 लोग वहां पे सवार थे। दोनों लोगों के ही मरने की सूचना प्राप्त हुई है। तो होकरा की उस दुर्घटना के बाद हम लोगों ने उस रोड को आवाजाही के लिए रोक दिया था, स्पेशली 4 व्हीलर की आवाजाही के लिए रोक दिया गया था। वहाँ पर नोटिस बोर्ड भी लगाया गया था, सूचना भी प्रदर्शित की गई थी। इसके बावजूद भी लोग जा रहे हैं उसमें, तो यह देखते हुए हम लोग यहाँ से पुलिस को भी निर्देश दिया गया है कि वो वहाँ पर बैरियर लगाए और पर्याप्त फोर्स भी वहाँ पर लगा दें, ताकि इसके बाद कोई वहाँ पर 4 व्हीलर के द्वारा आवाजाही ना हो सके। हालांकि स्थानीय लोगों ने एक बार फिर से इस दुर्घटना के लिए PMGSY के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछली दुर्घटना से भी विभाग ने कोई सबक नहीं लिया और सड़क की दशा सुधारने की कोशिश नहीं की, जिसका नतीजा ये रहा कि सड़क पर फिर से दुर्घटना हुई है और 2 लोगों की मौत हो गई है। ग्रामीणों ने PMGSY के अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने की मांग की है। आज मैं उसी घटना स्थल पर हूं जहां आज से 6 दिन पहले एक बोलेरो खाई में गिरी थी, जिसमें 10 लोगों की जान चले गई थी। आज प्रातःकालीन ही एक सूचना मिली ग्रामीणों के द्वारा, नीचे चट्टान में लाशें दिखी, तो हम लोग यहाँ आए। ग्रामीणों ने यहाँ बताया कि 2 लाशें नीचे पड़ी हैं। एक उसी स्थल पर जिस स्थल से घटना हुई, उसी स्थल से आज की घटना फिर झकझोर कर देती है। और संबंधित विभाग से भी सवाल जनता का बनता है कि आपने उस स्थल से इतनी बड़ी घटना के होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की, और सेम उसी लोकेशन से दूसरी कार का खाई में गिरना और 2 लोगों की मौत का होना कहीं ना कहीं आपके सवाल पर भी प्रश्न चिन्ह उठाता है आपके कार्यशैली पर तमाम विभाग के। मेरे साथ में अभी ये भवान सिंह मेहता जी हैं, और मैं तमाम ग्रामीण सब लोगों का कहना है कि ये इन लोगों की लापरवाही है। त्वरित इस लापरवाही के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पिथौरागढ़ से राकेश पंत की रिपोर्ट।